हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसा आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपना सिग्नेचर और फोटो कैसे चेंज कर सकते हैं, और ये ज़रूरी भी है। जैसे आपका अकाउंट 5 या 10 साल पुराना हो जाता है तो एक बार अपडेट कर लेना चाहिए फ़ोटो और सिग्नेचर, क्योंकि टाइम के साथ साथ हमारी जो फ़ोटो है वो भी थोड़ी चेंज होती है। तो क्या है कि हम वापस अगर रीप्रिंट अपना पैन कार्ड है उसकी रिक्वेस्ट देते हैं तो उसके अंदर अपडेटेड फोटो आए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और सिग्नेचर है वो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका चेंज नहीं होता है टाइम के साथ साथ, लेकिन मेरे साथ तो खुद मैं 10 साल पहले मैंने अगर सिग्नेचर किया उसको देखता हूँ और आज जो करता हूँ, क्योंकि अभी जैसे जैसे अपन टाइम चेंज होता है वैसे वैसे हमारी जो लिखावट है वो थोड़ी चेंज होती है और स्पीड है वो बढ़ती है। इस वजह से सिग्नेचर भी थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो उसको भी डॉक्यूमेंट में अपडेट करते रहें। तो हमारे नेशनल पेंशन स्कीम के अकाउंट के अंदर, जैसे हमारा NPS अकाउंट है उसके अंदर भी हमें टाइम टू टाइम, जैसे ऐसे साल 2 साल में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5, 10 साल, 15 साल में एक बार कर लेना चाहिए, अपडेट कर लेना चाहिए फोटो एंड सिग्नेचर को। तो ये कैसे कर सकते हैं, और कई लोगों ने जिन्होंने फोटो और सिग्नेचर जो गलत अपलोड कर दिया, जैसे वेबसाइट पे उन्होंने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया तो फोटो वगैरह जैसे जो एंगल है फोटो का वो अलग हो गया, जैसे टेढ़ी हो गई या किसी और की लगा दी, सिग्नेचर है वो टेढ़ा हो गया या उल्टा हो गया, ऐसा कुछ अपलोडिंग में दिक्कत आ जाती है और वो अपलोड हो जाता उनका, लेकिन उसके बाद जो प्रिंटिंग में पैन कार्ड में जो प्रिंट हो गया था वो अलग तरीके से आता है, गलत तरीके से आता है, तो उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक बात आपको बता दूं कि NPS अकाउंट ओपन होने के बाद में आप एक बार ऑनलाइन ये प्रोसेस करते हैं, ऑनलाइन आपको करनी होती है, तब जाके आपके पैन कार्ड के ऊपर अपडेट होता है, और उसके बाद आप ये प्रोसेस ऑनलाइन नहीं कर सकते। मतलब जब भी आप अपडेट पे जाएंगे तो अपडेटेड बताएगा, इसलिए आपको ऑफलाइन करनी पड़ती है। तो ऑफलाइन फॉर्म कैसे आपको फिलअप करना पड़ता है, कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सब्सक्राइबर है, चाहे आप गवर्नमेंट सब्सक्राइबर है, चाहे आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन किया, चाहे आप कॉरपोरेट सब्सक्राइबर है, आपको उस फॉर्म को कहाँ पे भेजना है, ये सारी की सारी प्रोसेस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं NPS के लिए बनाए गए एकमात्र चैनल मेक लाइफ इज इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आपको npscra.nsdl.co.in की वेबसाइट पर आना, ये आप वेबसाइट अच्छी तरीके से देख लो, उसके बाद में आपको होम बटन है इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आप जिस तरीके के सब्सक्राइबर हैं, मैं ऑल सिटीजन मॉडल ऑफ इंडिया का करके बताऊंगा, आप ये सारी की सारी प्रोसेस है वो सेम रहेगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे कॉरपोरेट मॉडल के हो, किसी भी तरीके का आप एम्प्लॉय हैं, ऑल सिटीजन मॉडल जिस फॉर्म का नाम आपको ऑल सिटीजन मॉडल में आपको मिलेगा, वही फॉर्म का नाम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी और कॉरपोरेट सेक्टर में भी मिलेगा। तो मैं ऑल सिटीजन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि अपने सारे के सारे सब्सक्राइबर वो ऑल सिटीजन मॉडल के हैं। ऑल सिटीजन मॉडल आपको ओपन करते ही यहाँ पे आपको फॉर्म्स दिख रहा है, फॉर्म्स में आप क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन वगैरह के और मेंटेनेंस के सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे के सारे फॉर्म ओपन हो गए, इसके अंदर आपको सब्सक्राइब रजिस्ट्रेशन में नहीं जाना, आपको जाना है NPS अकाउंट मेंटेनेंस, इसके अंदर आपके सामने सीधा सीधा फॉर्म आ जाएगा, सब्सक्राइबर फोटो एंड सिग्नेचर चेंज, ये फॉर्म है, इसका नाम है UOS-S7, ये फॉर्म है, आपको यही फॉर्म मिलेगा ऑल सिटीजन मॉडल में, यही फॉर्म मिलेगा आपको कॉरपोरेट मॉडल में, यही फॉर्म मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर। इसमें आपको क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे, तो फ्रेंड्स हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा फॉर्म है वो ऑल सिटीजन मॉडल वाला आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और आप जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर डाउनलोड करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम आएगा, स्टेट गवर्नमेंट में जाकर डाउनलोड करेंगे उस वेबसाइट पे जैसे बताया तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम आएगा, इतना ही फर्क मिलेगा आपको, बाकी सब सेम मिलेगा। यहाँ पे ऊपर का ये सेक्शन है वो CRS सिस्टम है उसके द्वारा भरा जाएगा, आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर नाम आपका नाम लिखना है, पैन नंबर लिखना है आपका, यहाँ पे इस साइज की फोटो लिखनी है, अगर फोटो चेंज करनी है तो यहाँ पे फोटो चेंज करनी है तो इस साइज की आप फोटो यहाँ पे जो पेस्ट करेंगे, मतलब जो आपका ग्लू वगैरह होता है उससे चिपकानी है आपको, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन आप जो भी करते हैं, अगर आपको चेंज ऑफ फोटोग्राफ चेंज करनी है तब उस केस में, इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है, चेंज इन फोटोग्राफ या चेंज इन सिग्नेचर, जो भी चीज़ चेंज करनी है उस पर क्लिक करना है आपको, दोनों पे रीजन लिखना है, यहाँ पे अगर पुराना हो गया है आपका फोटोग्राफ पहले का, अब
फेस में चेंज है, मतलब 10 साल हो गए तो 10 साल में फेस में चेंज आएगा, वो चीज है। और यहाँ पे चेंज इन सिग्नेचर का रीजन है वो भी लिखना, अगर आपने पहले गलत अपलोड कर दिया या कुछ और हो गया या दूसरे का अपलोड कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा है वो सिग्नेचर, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे रीजन लिखना है। उसके बाद आपको सिग्नेचर चेंज करना है तो ओल्ड सिग्नेचर पहले करना है आपको, फिर न्यू सिग्नेचर करना है, और जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद में ये पीओपी यूज का है पूरा का पूरा, आपको यहाँ पे जो जो चीज है वो आपके द्वारा भरी जानी है वो ही भरनी है, उसके अलावा कुछ भरना नहीं है आपको। ये आपको अपने पीओपी पे सबमिट करना है, पीओपी पे आपको देना है फॉर्म ले जाके। पीओपी कैसे पता करना है, कैसे आपको कौन सा पीओपी, इसका मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर री इश्यू प्रान करवाएंगे तो ये चेंज आएगा इसके अंदर, मतलब आप उसके बाद ये चेंज आपका सक्सेसफुली हो जाता है, उसके बाद आप री इश्यू न्यू प्रान कार्ड करवाएंगे तो ये चेंज उसके अंदर अपना आप ही आ जाएगा आपका। और अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो आप अपने नोडल ऑफिस है उसके अंदर, नोडल ऑफिस भी कैसे पता करना है वीडियो बना हुआ है, नोडल ऑफिस है उसके अंदर आपको डिपॉजिट करना है ये फॉर्म भर के, आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप रीइश्यू के लिए जो अप्लाई है वो कर देंगे, ऑनलाइन आपको रीइश्यू हो जाएगा प्रान कार्ड, और उसके अंदर ये सारे के सारे चेंज आ जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो।